प्याज को काटने का टिप ये है कि जब भी हम उसको प्याज को काटें तो हमें इस तरह जो आँखों में जलन वगैरह महसूस होती है, इससे इसका टिप ये है कि हम इस तरह एक पोटैटो को पकड़ें, उसके अंदर इस तरह छुरी को इस तरह करेंगे और देन इसी छुरी के साथ हम प्याज काटेंगे तो हमारे प्याज की कतन वगैरह नहीं होगी और ना ही आँखों में जलन होगी। इस तरह पहले आप इस तरह काट लें, काटने के बाद देन फिर इसको बारीक कर लेना। इस तरह फिर आप इसको काटेंगे, बारीक कर लेना, अच्छी तरीके से काट लेने हैं। इसी तरह आपकी आंखों में जलन भी नहीं होगी और आपका प्याज भी आसानी से कट जाएगा। अब मैं आपको सारे प्याज काट कर दिखाती हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है, जितनी हमें पकौड़ों में ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं हमने आलूओं को लंबा लंबा काट लिया है और गुलाबों को भी काट लिया है। अब इसके अंदर अब जाएंगे पाउडर मसाले, सबसे पहले डालेंगे हम रेड चिल्ली। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली, 1 टेबल स्पून नमक और अब साथ में डालेंगे कसूरी मेथी। ये आप देख सकते हैं हमने नमक, मिर्च और कसूरी मेथी डाल दी है और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी, जिससे पकौड़ों में कलर अच्छा आएगा। कितनी 1/2 टेबल स्पून डाली है आपने हल्दी और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे बेसन और साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। मैं आपको इसके अंदर बेसन डालकर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमने बेसन डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। बेसन हमने डाला है 5 से 6 चम्मच बेसन के डाले हैं और इस तरह लंबे लंबे आलू काटने से आपका बेसन कम लगेगा और बहुत अच्छे और क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। इस तरह ना हमारा बैटर बहुत थिन है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ये रख दे सकते हैं। देन फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ पकौड़ों की फाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं हमने पकौड़े डाल दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे देन हम उनकी साइड चेंज कर देंगे। देन भी मैं आपको दिखाती हूँ पकौड़ों की फाइनल लुक। ये रही हमारी पकौड़ों की फाइनल लुक, ये देखें, देखने भी खूबसूरत लग रहे हैं। और ये इस तरह लंबे लंबे आलू काटने से और ये पकौड़े हमारे कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। ये आप रायते के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, उंगली की चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।